बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू काउंटडाउन ग्रेड 6 चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन एचसीएफ एंड एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 8 इज योर होमवर्क। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। रिमेंबरिंग मल्टीपल्स, टेक द क्विक टेस्ट given below to check if you remember the multiplication tables. 14 multiplied by 3 is equal to what? So students, ये हमारे पास क्या है, ये एक quick test है जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि इनके answers दे सकते हैं फौरन से। अब अगर आपको अपने tables के ऊपर यानी कि multiplication tables जो है इनके ऊपर अगर आपको grip है तो आप फौरन से इनका answer दे सकते हैं। Two or more numbers may have several common multiples. The smallest of them is called the least common मल्टीपल और एलसीएम। सो स्टूडेंट्स, जब दो या दो से ज्यादा नंबर्स हों और उनमें से हम जब कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करते हैं, आपको पता है उसके कॉमन मल्टीपल दो या दो से ज्यादा, एक दो तीन, कोई भी कॉमन मल्टीपल्स हमारे पास आते हैं। अब जो वो कॉमन मल्टीपल्स होंगे उनमें से जो स्मॉलेस्ट होगा, जो सबसे छोटा होगा, वो हमारे पास क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एलसीएम। द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा दो या दो से ज्यादा नंबर्स के दरमियान, तो वो क्या होगा हमारे पास, एलसीएम होगा। और एलसीएम को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। स्टूडेंट्स, हियर वी डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम। द फर्स्ट वन इज द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स ऑफ विच वन इज अ मल्टीपल और द अदर इज अ मल्टीपल इटसेल्फ। एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी इज द एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर्स is the product of the two numbers. Example, find the LCM of 3 and 4. So students, इस example में हम क्या सीखेंगे, हम find करना सीखेंगे LCM को। अब हमारे पास दो number given है 3 और 4. सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, solution the multiples of 3. So हम LCM किस method से find कर रहे हैं, कि हम multiples लिख रहे हैं। So multiples of 3 क्या है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 up to so on. The multiples of 4 are 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 up to so on. आपको पता है यहाँ से आगे भी continuously move कर रहे हैं, इसलिए हमने आगे dots लगे, it's mean up to so on. The common multiples of 3 and 4 are 12, 24 and 36. अब आप यहाँ देखें हमारे पास common multiples कौन से, यानी means के हमारे पास दो numbers हैं, इन दोनों numbers में कौन सी values हैं जो same हैं. So 12 first में भी है और 12 second value में भी given है. 24 फर्स्ट वैल्यू में भी गिवन है, 24 सेकंड में भी गिवन है, 36 आप देखें 30 के बाद हम लिखेंगे 33, 36 मींस के 3 के मल्टीपल्स में हमारे पास 36 भी आता है और 4 के मल्टीपल्स में भी हमारे पास क्या आ रहा है, 36। सो इसीलिए हमने लिखा है द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 आर 12, 24, 36। बट अब हमने क्या फाइंड करना है, एलसीएम। अब आपको पता है हम डेफिनेशन में भी कर चुके हैं कि एलसीएम क्या होता है, कि जो कॉमन मल्टीपल्स होते हैं उनमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो हमारे पास क्या होता है, एलसीएम। सो 12, 24 और 36 में से हमारे पास स्मॉलेस्ट कौन सा है, 12। सो द एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 इज 12। एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है, सेकेंड जो मेथड है हमारे पास एलसीएम फाइंड करने का, वो है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। The LCM of two or more numbers can be obtained by finding out their prime factors. Look at the following statement. 4 equals to 2 multiplied by 2, which is also equal to 2 power 2. Means कि अब हम इसको read कैसे करते हैं, 2 to the power of 2. 8 equals to 2 multiplied by 2 multiplied by 2, which is equal to 2 power 3. और इसको हम कैसे read करते हैं, 2 to the power of 3. इसी तरह हमने 16 को लिखा है और 16 को हमने क्या लिखा है, 2 पावर 4, और इसको हम ऐसे रीड करते हैं, 2 टू द पावर ऑफ 4। द अबव स्टेटमेंट गिव द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4, 8 एंड 16। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं 4 के, 8 और 16 के। नाउ लुक एट द फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18। अब आप देखें 12 के हमारे पास फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको हमने लिखा है 2 स्क्वायर, मींस के 2 हमारे पास क्या है, 2 टाइम। इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 टू द पावर ऑफ 2, सॉरी हम इसको ऐसे रीड करते हैं, 2 टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 3। और 18 के फैक्टर्स को हमने लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, व्हिच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2।
The LCM of 12 and 18 is the product of all the prime factors, each with the highest power. So students, LCM लिखना है, जब हम prime factorization में LCM find करेंगे, तो LCM लिखने के लिए हम क्या method use करेंगे? हम लिखेंगे तमाम prime factors को product के form में लिखेंगे, but हम उन prime factors को लिखते हैं जो क्या होते हैं highest power के साथ होते हैं, means के अब आप देखें यहाँ पर भी 2 है, यहाँ भी 2 है, हम 2 की कौन सी power, किस 2 को हम LCM में लिखेंगे? तो जिसकी हाईएस्ट पावर होगी हम उसको लिखेंगे। यहाँ देखें 2 की पावर 2 है और यहाँ 2 की पावर 1 है, सो हम LCM में कौन सी लिखेंगे? हाईएस्ट पावर वाला, मींस के 2 पावर 2 वाला। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 2, अब हम कौन सी पावर वाले वैल्यू को लिखेंगे? 3 पावर 2, सो 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 व्हिच इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 9 व्हिच इज इक्वल टू 36, सो द LCM ऑफ 12 एंड 18 इक्वल्स टू 36। Find the LCM of 12, 16 and 20 by prime factorization. So students, अब हमारे पास कितनी values आ गई हैं? 3 values आ गई हैं। इन 3 values का भी हमने क्या किया है? Same इसी तरह से prime factorization find किया है और prime factorization के में हमने क्या किया? सबसे पहले prime factors लिखे हैं, then हमने LCM लिखा है और LCM लिखते हुए हमने क्या देखा है कि हमने जो भी product लिखे हैं prime factors के वो किसके साथ लिखे हैं? With the highest power. So LCM of 12, 16 and 20 equals to 240. LCM by the division method. अब third method हम किसको discuss कर रहे हैं कि LCM हम division method से किस तरह से find कर सकते हैं। Finding the LCM of two or more numbers by prime factorization needs a lot of calculation. So a simpler method known as the division method is used. Step one, choose a divisor which divides exactly at least two of the given numbers. Carry forward the remaining numbers not divisible by the divisor in a row below the original numbers. Continue the process until no two numbers are available for further division. Step 4, the product of the divisor and the remaining undivided numbers is the required LCM. So students, हमारे पास division method को से LCM find करने के 4 steps हैं। पहला step ये है कि हमने ऐसा divisor को choose करना जो at least दो numbers को क्या करे? Divide करे। उसके बाद हमने ये देखना है कि जो दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं उनको हम डिवाइड करेंगे। उसके अलावा अगर हमारे पास कोई नंबर्स ऐसे हैं जो डिवाइड नहीं हो रहे उस टेबल के ऊपर, तो उन नंबर्स को हम एज इट इज नीचे ओरिजिनल नंबर के नीचे लिखेंगे और ये प्रोसेस हम तब तक कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक हमारे पास डिवीजन कंप्लीट नहीं होती, मीन्स के फर्दर डिवीजन हमारे पास नहीं होती। और आखिर में हम क्या करेंगे? हम प्रोडक्ट लेंगे डिवाइजर्स का और रिमेनिंग अनडिवाइडेड नंबर्स का और वो हमारे पास क्या होगा? रिक्वायर्ड एलसीएम। रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या फाइंड करेंगे? हम देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, आर द एचसीएफ एंड एलसीएम रिलेटेड इन एनी वे? क्या एचसीएफ और एलसीएम किसी भी तरह से एक दूसरे से रिलेट करते हैं? कंसीडर द नंबर्स 32 एंड 40 एंड एक्सप्लोर द रिलेशन। तो हम क्या करते हैं? दो नंबर्स को कंसीडर करते हैं 32 एंड 40 और इनके रिलेशन को एक्सप्लोर करते हैं। कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ 32 एंड 40। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो दो नंबर्स हमने लिए हैं हम उनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे? 32 मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1280। नाउ फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 32 एंड 40। अब हमने क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करना है 32 और 40 का। सो सबसे पहले 32 के फैक्टर्स क्या हैं? 2, 2, 2, 2, 2 एंड 40 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 एंड 5। द एचसीएफ ऑफ 32 एंड 40 इक्वल्स टू 8। सो स्टूडेंट्स, एचसीएफ आपको पता है क्या होता है? हम कॉमन फैक्टर्स लेते हैं देन हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ क्या आया हमारे पास? 8। द एलसीएम ऑफ 32 एंड 40 इज इक्वल टू 160 और हमारे पास एलसीएम क्या आया है? 160। द प्रोडक्ट ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम, अब हम किसका प्रोडक्ट ले रहे हैं? एचसीएफ और एलसीएम जो हमारे पास आए हैं उनका प्रोडक्ट, मीन्स के एचसीएफ हमारे पास 8 है और एलसीएम क्या है? 160। इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1280। अब आप देख सकते हैं जो नंबर्स हमने लिए उनका प्रोडक्ट भी 1280 आया था और जो हमने एचसीएफ और एलसीएम लिया है उनका जब प्रोडक्ट लिया तब भी हमारा क्या आया है? आंसर सेम आया है, 1280। दिस प्रूव्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। सो ये बात, ये जो हमने रिलेशन किया इस बात से ये प्रूव हो गया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट लें किसके इक्वल आएगा? प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम होगा। Exercise 4B, question number 1,
Find the LCM of the following numbers by the common multiple method. So students, question number 1 में हमने क्या discuss करना है? हमने LCM को find करना है और कौन से method को follow करना है? Common multiple method. Part I, 4, 6 and 8. Solution, the multiples of 4 are 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 up to so on. The multiples of 6 are 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78 up to so on. The multiples of 8 are 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104 up to so on. So students, ये हमने क्या लिखे हैं? हमने 4, 6 और 8 के multiples लिखे हैं. आपको बताएं यहाँ पर आगे मैंने last पे क्या लिखे हैं? 3 dots. It means इससे आगे भी हैं. अब हमने क्या लिखना है? अब हमने देखना है कि हमारे पास common multiples क्या हैं. Means के ऐसे numbers कौन से हैं जो तीनों values में given हो. आप देखें सबसे पहली value में 24. Means के 4 के multiples में 24. 8 में भी sorry 6 में भी हमारे पास 24 और 8 में भी हमारे पास 24 क्या है कॉमन है. इसी तरह फिर हमारे पास 48 ये हमारे पास क्या है कॉमन मल्टीपल्स हैं. सो द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 6 एंड 8 आर 24 48. दस द एलसीएम ऑफ 4 6 एंड 8 आर 24. हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स होंगे उनमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो हमारा क्या होगा लीस्ट एलसीएम होगा. मींस के लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स और इसके नाम से भी शो हो रहा है आपको पता है. सो हमारे पास यहां पर एलसीएम क्या है 24. क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. अब हमने सेकंड मेथड से फॉलो एलसीएम को फाइंड करना है और सेकंड मेथड है कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए एलसीएम को फाइंड करना है. पार्ट 3 42 48 56. सबसे पहले 42 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं. 2 2 और 4 2 1 is 2, 3 7 are 21, 7 1 is 7. So 42 के prime factors क्या हैं? 2 multiply by 3 multiply by 7. Students यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास pairs नहीं है. Means के हमारे पास 2 की एक ही power है, 3 की भी 1 ही power है और 7 की भी 1 ही power है. Second value हमारे पास है 48. 48 के prime factors हैं 2 2 और 4, 2 4 और 8, 2 1 is 2, 2 2 और 4, 2 6 और 12, 2 3 और 6, 3 1 is 3. 48 के prime factors को हम इस तरह से लिखेंगे 48 equals to 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 which is equal to 2. अब देखें 2 की power क्या लिखी हमने 4 क्योंकि 2 हमारे पास 4 times है 1 2 3 4 इसलिए लिखा 2 power 4 multiply by 3. Last value है 56. 56 के factors आप देखें 2 2 और 4 2 8 और 16 2 1 is 2 2 4 और 8 2 7 are 14, 7 1 is 7. So 56 equals to 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 7 which is equal to 2 power 3 multiply by 7. अब यहाँ पर हमारे पास 2 कितने times था? 3 times था. तो हमने 2 की power क्या लिखी है? 3. अब LCM के लिए हमारे पास क्या formula होता है? LCM equals to product of all the prime factors with the highest power. So the LCM of 42, 48 and 56. अब आपको पता है हमने क्या लिखता होता है? Product लेना होता है तमाम factors का highest power के साथ. So, इन तमाम वैल्यूज में 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 4. सो हमने लिखा है 2 पावर 4 और 3 की पावर जो है वो 1 ही है. तो तीनों वैल्यूज में क्या है 1 है इसलिए हमने 3 को एज इट इज लिखा है और 7 को भी एज इट इज लिखा है. जब इन वैल्यूज को हम सॉल्व करेंगे 2 पावर 4 मींस के 2 को 4 टाइम्स लिखें देन मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 16 multiply by 3 multiply by 7. अब इन तीनों वैल्यूज को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 336. Question number 3. Calculate the LCM of the following numbers by the method of division. So students, question number 3 में हमने LCM को find करना है और किस method से find करना है? By division method से. Part 3, 16, 24, 30, 40 and 48. अब हमने क्या करना है? इसमें जो 4 steps हम read कर चुके हैं, discuss कर चुके हैं, हम उन्हीं steps को follow करेंगे. So, सबसे पहले हम इसको 2 से लेके जाते हैं. 2 8 और 16, 2 12 और 24, 2 15 और 30, 2 20 और 40, 2 24 और 48, 2 4 और 8, 2 6 और 12, 2 15 अब आपको पता है 2 के टेबल में नहीं आ रहा तो इसमें हम इसको एज इट इज लिखेंगे. 2 10 और 20, 2 12 और 24, 2 2 और 4, 2 3 और 6, 15 अगेन एज इट इज, 2 5 और 10, 2 6 और 12, 2 1 is 2, 3 as it is, 15 as it is, 5 as it is, 2, 3 or 6. जो tables हमारे पास 2 में नहीं आ रहे हम उनको as it is लिखते जाएंगे.
3 1 is 3, 3 5 are 15, 5 as it is 3 1 is 3. और लास्ट पर हम किससे लेके जा रहे हैं, 5 से लेके जा रहे हैं, 5 1 is 5, 5 1 is 5. सो एलसीएम क्या है, हमने कहा था कि तमाम जो हमारे पास ये फैक्टर्स सॉरी डिवाइजर होंगे, मीन्स कि जिनसे हम डिवाइड कर रहे हैं उन सबको मल्टीप्लाई करना है. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5. जब इन सारी वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 240. सो एलसीएम किसके इक्वल है, 240 के. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लोएस्ट नंबर डिविजिबल बाय 15, 20 एंड 25. सो स्टूडेंट्स यहाँ भी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, हमने लोएस्ट नंबर को फाइंड करना है जो कि 15, 20 एंड 25 के ऊपर क्या हो, डिविजिबल हो. 15 as it is 2 10 are 20, 25 as it is. 15 again as it is 2 5 are 10, 25 as it is. 3 5 are 15, 5 as it is 25 as it is. 5 1 is 5, 5 1 is 5, 5 5 are 25, 5 1 is 5 sorry 1 as it is, यहाँ भी 1 as it is और 5 1 is 5. स्टूडेंट्स कोशिश करें जब भी आप एलसीएम फाइंड करें तो आपने अपनी वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. मीन्स कि आप देखेंगे क्या है, 2 3 5, ये हमारे पास किस में है, असेंडिंग ऑर्डर में. द रिक्वायर्ड लोएस्ट नंबर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5. इन सारी वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 300 और ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड लोएस्ट नंबर है. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लोएस्ट नंबर बिटवीन 200 एंड 500. Which leaves a remainder of 3 in each case when divided by 8, 10, 12 and 13. So students, question number में हम 5 में हमने एक ऐसा lowest number find करना है जो 200 और 500 के between में हो. और उनमें वो क्या, उसका उनमें remainder क्या होगा, which leaves a remainder of 3 in each case. और हर case में उसका remainder क्या होगा, 3. और ये किस number को divide कर रहा है, 8, 10, 12 and 13. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम सबसे पहले एलसीएम को फाइंड करेंगे. 8, 10, 12 एंड 30 को हमने लिखा और इसको हम एलसीएम फाइंड करेंगे. इसका एलसीएम हम फाइंड करेंगे, 2 4 are 8, 2 5 are 10, 2 6 are 12, 2 15 are 30, 2 2 are 4, 5 as it is, 2 3 are 6, 15 as it is, 2 1 is 2, 5 3 are 15 as it is. लिखे अगेन, अब किस सॉरी अब हम किससे लेके जा रहे हैं, 3 से. 3 1 is 1 as it is, 5 as it is, 3 1 is 3, 3 5 are 15. और लास्ट पर हम 5 से लेके जाएंगे, 5 1 is 5, 5 1 is 5. सो एलसीएम किसके इक्वल आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5. और जब इन तमाम नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 120. बट हमने क्या फाइंड करना है, हमने लोएस्ट नंबर फाइंड करना है जो 200 और 500 के दरमियान में हो. अब आप देखें 120 हमारे पास क्या है, 200 से लेस है. इट्स मीन हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई दिस बाय द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर दैट पुट इन द गिवन लाइन. सो हम क्या करेंगे, इस जो एलसीएम है इसको हम स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास क्या हो जाए कि हमारी रेंज के अंदर आ जाए. अब हमारी रेंज क्या है, मीन्स के 200 से 500 के दरमियान में हमारे पास कोई नंबर है. सो 120 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 240. स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख याद रखिएगा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो हमारे पास स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 2 होता है. ये भी हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो क्या है, 2. सो इसीलिए हमने लिखा है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें, 120 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 240. नाउ एड 3 टू इंश्योर अ रिमाइंडर ऑफ 3 विल अकर व्हेन डिवाइडिंग बाय द गिवन नंबर्स. अब हमने क्या करना है, जो रिमाइंडर हमारे पास था, हमने कहा था हमारे पास रिमाइंडर 3 है हर केस में. अब उस रिमाइंडर को हमने क्या करना है, इसमें ऐड करना है. सो 240 + 3 = 243. 243 इज द रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर बिटवीन 200 एंड 500. सो 243 हमारे पास वो लीस्ट नंबर है जो किसके दरमियान में आ रहा है, 200 और 500 के दरमियान. दस द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू 243. क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 18 एंड 27 लीव्स एज रिमाइंडर 8, 11, 14 एंड 23 रिस्पेक्टिवली. सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में हमने एक स्मॉलेस्ट नंबर 5 फाइंड करना है जो इन नंबर्स को डिवाइड कर रहा है. और यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर क्या है, चेंज है. मीन्स के हर केस में कोई एक रिमाइंडर नहीं है, हमें कहा गया है कि हमारे पास रिमाइंडर्स हैं 8, 11, 14 एंड 23. सॉल्यूशन सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एलसीएम फाइंड करेंगे. एलसीएम फाइंड करने के लिए वही मेथड हम फॉलो करेंगे जो हम इससे पहले करते हैं, बाय डिवीजन मेथड हम एलसीएम फाइंड करेंगे. और हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 540. द डिफरेंस बिटवीन डिवाइजर एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग रिमाइंडर गिव्स. अब आपको पता है कि हमारे पास रिमाइंडर्स क्या हैं, डिफरेंट हैं.
इसीलिए हम हमने क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है, मींस के माइनस करना है डिवाइजर को और उनके रिमाइंडर्स को। सबसे पहला डिवाइजर है 12 और इसका रिमाइंडर क्या है 8। 12 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4। दूसरा डिवाइजर है 15 और रिमाइंडर क्या है 11। 15 में से 11 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। थर्ड डिवाइजर है 18 और रिमाइंडर क्या है 14। 18 में से 14 को माइनस करेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 4। और लास्ट डिवाइजर है 27 और रिमाइंडर क्या है 23। 27 में से जब 23 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। द डिफरेंस इज सेम सो द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू 540 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 536। सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आप देखें हमारे हमने जो रिमाइंडर्स फाइंड किए हैं वो हमारे पास क्या आए हैं 4। मींस कि हमने कहा जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है सेम है, इसीलिए जो रिक्वायर्ड नंबर जो स्मॉलेस्ट नंबर हमें चाहिए था वो क्या है 540। जो एलसीएम है उसमें से रिमाइंडर को जो हमने अभी फाइंड किया है डिफरेंस वो क्या है 4, उसको माइनस करेंगे 540 माइनस 4 तो हमारा आंसर आ जाएगा 536। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट्स व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 40 50 एंड 60 लीव्स और रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच केस। सो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमने स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट्स फाइंड करने हैं और हमारे पास रिमाइंडर भी यहाँ क्या है 5 है हर केस में। तो इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। अगेन हमने सिंपल एलसीएम फाइंड किया जिस तरह से हम करते हैं, पहले हमने डिवाइड किए, देन हमने एलसीएम के फैक्टर्स जो भी आए इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास गिवन एलसीएम आया है। एलसीएम क्या आया है 600। द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर इज 1000। अब आपको पता है कि जो हमारे पास स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर्स हैं वो क्या हैं 1000। सो वी डिवाइड 1000 बाय द एलसीएम 600। सो जो हमारे पास स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर है उनको हम डिवाइड करेंगे किससे, एलसीएम से। अब एलसीएम हमारे पास क्या है 600। 600 को जब हम डिवाइड करेंगे 1000 से तो इसका रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा। द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 40 50 60 इज 1000 प्लस 600 माइनस 400। सो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, ये भी हमने एक फार्मूले के तहत लिखा है, हमने लिखा है 1000 हमारे पास स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर है, 600 हमारे पास एलसीएम है और एलसीएम में से हम किसको माइनस कर रहे हैं रिमाइंडर को। सो सबसे पहले आपको पता है अगर हमारे पास ब्रैकेट्स आ जाए तो हम किसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट्स को। जब ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे 600 में से 400 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 200। अब हमें क्या करना है प्लस करना है। सो 1000 में जब 200 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1200। उसके अलावा हमारे पास क्या था, हमने रिमाइंडर को भी डिस्कस किया था, हमने कहा था जो रिमाइंडर है वो हमारे पास क्या है 5 है। सो द नंबर लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 40 50 एंड 60। जब रिमाइंडर हमारे पास 5 है, जब इन नंबर से हमने डिवाइड किया तो हमारे रिमाइंडर क्या आया है 5। सो हम इस नंबर में 1200 में किसको ऐड करेंगे 5 को, 1200 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 1205। स्टूडेंट्स ऑल द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 इज योर होमवर्क। Do it on your notebook of mathematics. Jazakillah. Fi amanillah.